हैप्पी न्यू ईयर। ओ भाई मतलब देख रहे हो खुशी हैप्पी न्यू ईयर बोल दे हैप्पी न्यू ईयर भाई। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे खाना खाने स्माइल देखो ना लड़के की गाइस ये देखो तुम्हारे भाई के हाथ का चिकन मस्त तैयार हो रहा है। हां ये दीदी ने सही बोला अपडेट देते रहेंगे बाकी आपको। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू YouTube चैनल दे दादी ब्लॉग। तो कैसे आप सब होप करता हूं कि सब बढ़िया होंगे वेल एंड गुड। सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत सारा सभी को हैप्पी न्यू ईयर ठीक है। बाकी यार जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठे यार थोड़ा बिस्तर जो है ना तकिया कंबल वगैरह सब क्या बोलते हैं इनको छत में सुखाने के लिए जाना दीदी चली गई है। मैं उठती हूँ फटाफट हाथ धोता हूँ ब्रश करता हूँ सबसे पहले इन सबको ऊपर छत में सुखा के आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट यार हमने तकिया कंबल सब बाहर छत में सुखा दिया है। मैं छत में जाके आ गया एक बार आपको अब थोड़ी देर में दिखाऊंगा मौसम। पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ हमारी दीदी जान ने ये हमारी चाय उबल रही है ये हमारी पूरी ये हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर। ओ भाई मतलब देख रहे हो भाव एटीट्यूड का के हैप्पी न्यू ईयर बोल लिया भाई इनके थोड़ा प्यार से विश करो भाई प्यार से विश करना होता है भाई। खाली हमारी ऑडियंस नाराज हो गई तो क्यों गाइस नाराज मत होना कोई जरूरत नहीं है मेरी ऑडियंस पैसा नहीं खाती क्यों गाइस बोली पैसे दे खरीद लूंगी तेरी ऑडियंस को। तो यार आज का तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं बाकी गाड़ी घर में आने वाली हमारे भाई जी गाड़ी दिलाने हैप्पी न्यू ईयर गाइस हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो यार कुछ टाइम बाद गाड़ी भी आ जाएगी चलो नाश्ता नुस्ता करते हैं भाई ने तो नाश्ता वास्ता करके गाड़ी दिलाने जा रहे हैं आचू साहब गाड़ी दिला के आएंगे हम नाश्ता करेंगे नाश्ता लग गया ना मैडम थैंक यू। चलो गाइस नाश्ता करते फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लिया है बाकी यार आज का दिन कुछ स्पेशल लग तो नहीं रहा है स्पेशल हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। बाकी यार मौसम एकदम मस्त देखो सही हो रखा है और धूप भी आ रखी है और बाहर जाने का ऐसा कुछ प्लान है नहीं देखते अगर प्लान बनता है तो जरूर जाएंगे अपडेट देते रहेंगे। बाकी सबसे पहले तो मुझे अभी ये करना है कि ब्लॉग अपलोड करना है शाम को 7 बजे आपको ब्लॉग देना ही देना है। और ये जो ब्लॉग आप अभी देख रहे हो ना ये 1 तारीख को मिल जाएगा जो अभी शूट हुआ है 31 तारीख को। तो मैं सुबह से हैप्पी न्यू ईयर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉग तो आपको न्यू ईयर पे ही मिलने वाला है तो इसीलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बाकी देखते क्या कर रहे हैं पहले ब्लॉग अपलोड लगाते हैं उसके बाद क्या करेंगे अपन रील्स बनाएंगे दीदी के साथ। हमारी एक रील स्टार किधर है वो बाहर देख रहे हो ना तो वो अपनी रील स्टार बाहर स्क्रोल कर रही है कि किसको बनाएंगे आज किसको बनाएंगे करके। तो ब्लॉग में फटाफट अपलोड में लगा देता हूँ उसके बाद मैं और दीदी जाते हैं थोड़ा सब पे रील्स वगैरह बनाते हैं और धूप भी सेकते काफ़ी इतना ठंडा है ना इस वजह से। और बाकी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। और अभी तक आपने अगर द टेल्स ऑफ 80 रोटीज नहीं देखी ना तो यार जाओ इंस्टा पे फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का और देखो द टेल ऑफ 80 रोटीज ठीक है। और बाकी तो अभी हम ब्लॉग अपलोड में लगाते हैं और जाते हैं रील्स बनाने के लिए मिलते हैं आपसे रील्स बनाने के बाद। तो गाइस व्लॉग लगा दिया अपलोड में करेक्ट शाम को 7 बजे आपको व्लॉग मिल जाएगा। और अभी एक शख्स आ रहा है हमारे रूम पे हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अब सेलिब्रेट मतलब इतना तगड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है मतलब नॉर्मली भाई है वो भी पीजी में रहता है अकेला मैंने कहा आज हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा कम से कम भाई लोग रहेंगे ठीक रहेगा ऐसे करना क्या हमें बताया रात भर बस पबजी खेलना है पबजी में ही लगे रहेंगे हम पहले बस तो आने दो दीदी गई है बाहर सब्जी वगैरह लेने के लिए बाकी जब भाई आता है ना फिर कंटिन्यू करते हैं ठीक है। फाइनली भाई आ चुका है भाई को जाने जल्दी जाइए वाला वॉशरूम में देख लास्ट वाला बटन दबाना है लाइट का ठीक है। तो भाई आ चुका है अब थोड़ा देर में देखते हैं कि क्या करना है करके ठीक है। गाइस अभी हम छत पे आए हुए थे अभी मुझे जस्ट रिसेंटली पता चला है प्रिंस का एक दोस्त था ना इस वाले घर पे रहता है क्या नाम है भाई का नीरज। चल तूने मेरी ऑडियंस को विश नहीं किया जल्दी विश तो कर दे हाँ अच्छे से बोल मरे हुए मन से मत बोल यार। ये देखो कितना सरवा रहा है अबे मतलब अबे कसम से गंदे तरीके से सरवा रहा है देखो खुशी हैप्पी न्यू ईयर बोल दे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोले बोले खुशी बोले मैं पैसे ले आई पार्टी करेंगे। तो आज दोनों भाई बहन मिलके रोल मचाने वाले भाई, खूब पार्टी करने वाला है। तो चलो, परिधि कुछ काम से रह गई थी, मतलब कुछ काम करने के लिए गई है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, बाकी करते कंटिन्यू, परिधि को आने दो। तो यार गाइस आप देख सकते हो सनसेट इतना प्यारा हो रखा है, मतलब अपन लोगों ने ना मस्त मस्त रील बनाए हैं, शाम को मैं डाल दूंगा रील्स वगैरह, बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो कर लेना फटाफट भाई को। और एक न्यू अपडेट है गाइस कि हम लोग न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं भाई के रूम पे, वो कौन भाई है उसका अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। बाकी मैंने प्रिंस के पहन रखे जूते और प्रिंस ने पहन रखे मेरे। तो चलो अभी फटाफट पहले एक कप चाय, थ्री चाय पिला रही, चाय पीते फिर चलते हैं। गाइस हम जा रहे हैं अपनी पार्टी में, रेक्स के रूम पे मिलते हैं आपसे। तो बाय परिधि, हैप्पी न्यू ईयर, चल ब्रो। तो गाइस अब हम चलते हैं, हम वही कंटिन्यू करेंगे आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी जस्ट पहुंचे हम रेक्स के रूम पे, ये रहे हमारे रेक्स भाई, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, मेरे ऑडियंस को अपीनियर बोल दो ब्रो। तो गाइस देखो प्याज रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक इधर है, मसाले इधर है। भाई अभी रोटी रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे रे, चावल खाएंगे भाई, चावल बोल रहा है और अगला बोला सब खाएंगे। तो अब देखते हैं क्या बनाते हैं, पहले पहले मैं चिकन विकन बनाता हूँ, एक चिकन विकन दो है। स्माइल देखो ना लड़के की, मतलब ये है ना इसका अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है, तो भाई कल जा रहे हैं हॉस्टल, तो सोचा कि आज भाई के रूम पे करते हैं, बाकी चिकन विकन धोते हैं फटाफट, खाना बनाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना और भूल गया, मैं एक पर्सन से मिला था, मतलब काफ़ी सही लगते हैं मुझे, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, मतलब मैंने तो वहाँ वीडियो बनाया नहीं ना, ब्लॉग शूट नहीं होगी, मुझे पता नहीं था कि किसी को फिर फ्रेम में लेना अच्छा होता नहीं होता, लेकिन मैंने उनसे फोटो खींची है, या अगला फ्रेम चेक करें, अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में देखना मेंशन कर दूंगा इधर से उनको ज़रा। तो जैसा कि आपने देख लिया, ये हमारे शिवम भाई है, मैं इनको जब से हंसने की नहीं है, ठीक है, जब से टिकटॉक था मैं इनको तब से फॉलो करता हूँ, मतलब भाई की शाही है ना भाई, बहुत मतलब भाई की लाइन है ना तो दिल पे लगती थी भाई कसम, ठीक है। तो इन सालों को देख लो, ये मजाक बना रहे हैं ऐसा नहीं है, भाई लोग सब सही है अपने, तो इनसे मिलकर ना काफ़ी सही लगा मुझे, एकदम डाउन टू अर्थ ही लगे मुझे, ठीक है। बाकी बनाते हैं चिकन, अभी तुम्हारा भाई बना रहा है चिकन, इधर है मतलब कढ़ाई है, इस पर थोड़ा हल्का धोते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं चिकन वगैरह। और मतलब ये लोग खाने होंगे तुम्हारे भाई के हाथ के चिकन, और तुम्हारा भाई मतलब खुद मतलब इनके मुँह से ना मेरी तारीफ सुन लेना, ये देख रहे हो मतलब कैसे शर्मा रहा है, ये देखो गाइस मतलब ये काट के लाया, अरे पगले धन्यवाद, इसको जब हम मंगाएंगे तब तब लेके आना, इसको जब हम मंगाएं तब आप लेके आना, बाकी जो रहा फटाफट करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता, ठीक है। गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे खाना खजाना, तो आज हम चिकन बनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि चिकन कैसे बनाते हो, आप थोड़ा उनको और ट्यूटोरियल धीरे धीरे देखते रहो। ये ज़्यादा नहीं है तेल, ठीक ठाक डाला हुआ, इसको प्याज वगैरह फ्राई करेंगे दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी अपन लोग थोड़ा प्याज भून रहे हैं, इसको जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा इसे तब तक गर्म करेंगे, उसके बाद टमाटर फिर चिकन फिर तब तक नहीं सॉरी टमाटर के बाद थोड़ा मसाला सारा गर्म करेंगे, मसाला जलाएंगे मस्त करके, फिर दिखाएंगे कैसे बनता है एकदम स्पेशल। तो गाइस चिकन इसमें मस्त गर्म हो रहा है, और हमारे रेक्स भाई तुम यार कॉपीराइट लगाओगे और कुछ नहीं है, चावल चढ़ा रहे हैं। तो अब खाना फिर तैयार होता है फिर करते हैं। अगर ऐसे देखो तुम्हारे भाई के हाथ का चिकन मस्त तैयार हो रहा है और चावल तो एकदम रेडी है, बाकी अपन लोग ऑल सेट, अब हम खाएंगे फिर रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। 2 hours later. तो गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। 12 बज चुके हैं, मतलब 12 का बज गए थे, मैं ज़रा बर्तन वगैरह धोने में बिजी था तो भाई लोग मस्त करके सो गए हैं, तो बस आपसे मस्त करके आप सुबह कंट्रोल करेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो अभी हमारे भाई की वरी बिताई, भाई को जा रहे हैं हॉस्टल छोड़ने, दीदी आ रखे, दीदी हैप्पी न्यू ईयर। मेकअप नहीं किया है भाई, क्या नहीं किया, मेकअप मेकअप नहीं किया तो मेकअप, अरे आपको शक्ल की जरूरत नहीं, हीरोइन है यार, दिया शर्मा, लेकिन कोई देखेगा तो कहेगा ना भूख भी लग रही है। अरे कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई कमेंट मत करना, ठीक है, कोई नहीं जानता दीदी को, दीदी को आप लोग पहली बार देख रहे हो, दीदी एकदम नेचुरल ब्यूटी अच्छी है एकदम। चलो भाई
वो तो मेरे को पता ही था। ओए चल चल, ओए उठा उठा सामान उठा, बड़े लोग हैं ना। अगला बंदे नंगे पाँव आ रहा, अगले बंदे के चप्पल में है, अगले बंदे के जूते मेरे पास है। यार इसके शूज ना बहुत कंफर्टेबल है, काफी मजा आ रहा है पहनने में। अच्छे है भाई नाइकी के। कौन सा इसका? हाँ बहुत सही है भाई। तो भाई आपका कॉलेज कौन सा एडमिशन हुआ है? नहीं सॉरी, आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है? सिद्धार्थ भाई को अभी छोड़ने जा रहे हैं, मतलब आज पहली तारीख है, 1 जनवरी। तो हम बाय बाय ब्रो, आई मिस यू ब्रो। ब्रो 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 फिस्ट। हमारे साथ सूरज भाई और दाई, हमसे मिलते आते रहना ब्रो, हमको भूलना मत यार, ठीक है? भूलने की नहीं। तो चलो अभी भाई को छोड़ते फिर कंटिन्यू करते आगे। गाइस अभी एक एक्स्ट्रा स्कूटी लेके आई, क्योंकि अपन 6 जने थे ना टोटल, नहीं 5 जने थे। तो दीदी जा रही है सिंगल, मैं और रेक्स और ये दोनों हीरो जा रहे हैं, बाकी आपसे मिलते हैं। दीदी सिंगल नहीं है, दीदी डबल है, दीदी डबल है, मजाक करो, दीदी सिंगल है, सिंगल जा रही है। दीदी मिलते हैं आपसे भाई के कॉलेज में। तो गाइस अभी मतलब जस्ट हम भाई के हॉस्टल में पहुंच गए हैं, मतलब सामान वामान रख रहे हैं। दीदी को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दीदी थोड़ा है, दीदी तेल भरवा रही गाड़ी। और अभी दीदी आई थी हमारे संग, क्या बोलते हैं कॉलेज में ना, मतलब पैसा आ गए हैं तो उसके कॉलेज की फीस सबमिट करने के लिए दीदी अंदर गई है। और रेक्स भाई तेरा गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट कहाँ गया? हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, हम तीनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। तो दीदी अंदर गई है फीस जमा करने के लिए, चलो अंदर क्या जाऊँ मैं, खाली आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ भाई का कॉलेज। तो हमारे भाई अभी भर रहे हैं एंटी रैगिंग फॉर्म। रैगिंग करोगे ना भाई सीधा अंदर, ठीक है? सीधा अंदर। तो डन हो गया भाई का कॉलेज, बताइए ब्रो। फाइनली भाई का कॉलेज हो गया डन। तो अता कैसा लग रहा है कि मतलब भाई चले गया? रेक्स बाय बाय, आप यहीं से कॉलेज चले जाओ यार। तो गाइस अभी हमें भूख लगी थी, हम सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, तो भाई का कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसी में भाई पार्टी दे रहा हमको, छोले चावल ली तो कड़ी चावल, छोले चावल कड़ी चावल। तो चलो आपसे खा के मिलते हैं। भाई को फिर फेंकना भी है कॉलेज में भाई, पता है दीदी ना इतने बढ़िया बढ़िया जगह लेके जा रही थी ना, ये गधा मेरे को लगा इतने बढ़िया जगह ला रहा होगा, लास्ट में देखा तो यार अबे कोई बात नहीं, ठीक है मैनेज कर लेंगे अपन, भूख लग रही खाते हैं। तो यार अभी अपन लोग इधर खा के गए, ये इस बंदे ने तो अपना हपक के खाया, ठीक है? मेरा तो पेट भी नहीं भरा और मुझे बिल्कुल मजा भी नहीं आया, ठीक है? मैं सही बोल रहा हूँ, चावल तो बहुत बेकार बना था। दीदी ने बोल दिया हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने के लिए। A few moments later. तो गाइस देखो अभी हमारे रेक्स भाई लाइव आ रखे, रेक्स भाई की ऑडियंस हाई बोल दो गाइस। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी ब्लॉग में आओगे। कौन कौन है? नयन थापा, सिद्धि यहाँ की, सैलिस मार्शल ये, और यार पता है कसम से ना वहाँ का खाना में एकदम मतलब ठीक था, लेकिन मेरा तो पेट नहीं भरा। तो दीदी हमें ले आई है डोसा हट में, तो डोसा खाएंगे, मजे करेंगे, बाकी फिर आपको कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ ये दीदी ने सही बोला, अपडेट देते रहेंगे बाकी आपको। और अभी भाई को बाल भी कटवाना है, आज भाई के ना हेयर कट होने वाले एकदम सेक्सी वाले, क्या बोलते हो गाइस? कर दे गाइस, आप सब ब्लॉग में आने वाले हो गाइस, तेजाल जी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना आप सब गाइस। गाइस इसकी ना खुशबू इतनी मस्त आ रही ना, पूछो मत यार। रेक्स भाई देखो अभी तक लाइव है, अरे हो गया कोई नहीं, देख रहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे तुम्हारे यार, फोटो खींचो खींचो। मतलब गाइस बहुत टेस्टी हो रहा है, इसको खाने के बाद कंटिन्यू कर दे, ठीक है? तो गाइस अभी अपन आए हैं बार-बार शॉप में भाई के बाल कटवाने, क्योंकि भाई के कॉलेज में थोड़े रिस्ट्रिक्शन वगैरह है ना, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि बाल कटवा के आना, तो भाई बाल कटवा रहा है, तो भाई के भी हेयर कटिंग होगी। इसके बाद फिर मैं जाऊंगा इसको हॉस्टल छोड़ने के लिए, तो मतलब काफ़ी थका हुआ हूँ और थक भी जाऊंगा, तो मतलब घर जाके उसका हम सीधा सोने वाले हैं, ठीक है?
और ये ब्लॉग एडिट करके आपको मिल जाएगा एक दो, हाँ आज या कल मिल जाएगा। बाकी अगर अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। रवि भाई आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, ओके।